श्री सीताराम गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे। नवरात्रि सन्निकट है और भगवती को प्रसन्न करने के लिए भक्तजन विविध प्रकार के उपक्रम करते हैं। कोई सप्तशती का पाठ करता है, कोई नवरात्रि में कन्या पूजन करता है, कोई तीर्थ यात्राओं पर जाता है, कोई कुल देवी की अर्चना करता है, कोई व्रत रहता है। भिन्न भिन्न प्रकार से भगवती को प्रसन्न करने के प्रयास किए जाते हैं और भक्तजन सफल भी होते हैं। शाबर मंत्रों की श्रृंखला में भगवती की कृपा पाने के लिए आपकी सब प्रकार से सुरक्षा हो और आपको अनुभव होने लगे, क्योंकि बहुत लोगों की शिकायत होती है या बहुत लोगों की ये जिज्ञासा या शंका या प्रश्न होते हैं कि मैं मंत्र जप, मैं स्तोत्र पाठ बहुत करता और बहुत लंबे समय से कर रहा हूँ, लेकिन अनुभव जैसा, अनुभूति जैसा कुछ नहीं कि जिसके आधार पर मैं कह सकूँ कि हाँ मेरी उन्नति हो रही है। यद्यपि साधनात्मक अनुभव बहुत उच्च अवस्था का नाम है, लेकिन शाबर मंत्रों की ये विशेषता है कि थोड़ी सी आस्था और गुरु वचन पर विश्वास भी अगर आपके पास है तो आपको बहुत अच्छा परिणाम प्राप्त हो सकता है। करना क्या है? यदि आप हर प्रकार से सुरक्षा चाहते हैं, मार्ग दुर्घटना से, ग्रह बाधाओं से, शत्रुओं से, बीमारी से, पारिवारिक तनाव से, सब प्रकार से सुरक्षा चाहते हैं, भगवती की कृपा चाहते हैं, चाहते हैं कि आध्यात्मिक ऊंचाइयों के आप अनुभव को प्राप्त करें, कोई बुरी स्थिति आने वाली है, कोई बहुत अच्छा चीज होने वाला है तो उसका पूर्वाभास आपको होने लगे, तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा ये है कि नवरात्रि के प्रथम दिन स्नान आदि करके पवित्र हो करके अगर आप ये प्रक्रम रात में 10 बजे के बाद करते हैं तो अति उत्तम है। लेकिन अगर रात्रिकालीन आप पूजन जप नहीं कर सकते तो फिर आप दिन में कभी भी कर सकते हैं। स्नान आदि से पवित्र होकर के सामने भगवती काली की एक फोटो, एक मूर्ति कुछ भी रख लीजिए। कुछ नहीं है तो भगवती दुर्गा का या भगवती के कोई स्वरूप की पूजा अर्चना कर सकते हैं, लेकिन अगर भगवती काली की फोटो है तो ज्यादा अच्छा है। कोई सिद्ध काली यंत्र आदि है, कोई गुटिका आदि है, तब तो सोने पे सुहागा वाली बात है। लेकिन जो भी है उसका अपराजिता के फूलों से, जपा कुसुम के फूलों से, कपूर से आरती करके, कुमकुम आदि अर्पित करके, जो पूजन सामग्री आपके पास आसानी से उपलब्ध है उससे भगवती की पूजा अर्चना कीजिए। उसके बाद भगवती से प्रार्थना कीजिए कि माता आपकी असीम कृपा मुझ पर सदैव बनी रहे, मेरी सुरक्षा करें और मेरे जीवन में जो कुछ होने वाला है उसका पूर्वानुमान, पूर्वाभास आप अपनी कृपा से मुझे कराती रहें। ऐसी प्रार्थना करके जो मंत्र मैं बताऊंगा, इस मंत्र का एक माला जब रुद्राक्ष से, कमलगट्टे से, स्फटिक से, लाल चंदन से, हकीक से, बस तुलसी की माला को छोड़ करके किसी भी माला से आप इस मंत्र का जप करें। जप करने के पश्चात माता को पुनः प्रणाम करें और माला को सुरक्षित रख के आप अपनी दिनचर्या में लग जाएं। यही प्रक्रिया आप 9 दिनों तक करें। इन 9 दिनों के बाद जब नवरात्रि पूरी हो जाती है तो फिर प्रतिदिन इस मंत्र को बस 7 बार पढ़ें, केवल 7 बार। और जब 7 बार इस मंत्र का जप कर लेते हैं तो अपनी छाती की तरफ मुख करके, जैसे 7 बार आपने मंत्र पढ़ा और मंत्र पढ़ लेने के बाद अपनी छाती की तरफ मुख करके एक फूंक मार दें, तो इससे आपके शरीर पर एक सुरक्षा कवच बना रहता है और बहुत सारी विपत्तियों आपत्तियों से आपकी सुरक्षा करता है। मात्र 7 बार आप अगर इसका प्रतिदिन भी जप करते हैं, मुश्किल से 2 मिनट लगेगा, तो आपकी सुरक्षा बनी रहती है। हाँ, अगर एक माला करते रहते हैं तो आपको अनुभव के मामलों में भी बहुत अच्छा परिणाम आएगा। और जब वर्ष में मुख्य मुख्य पर्व आए, जैसे कि दीपावली आए, होली आए, शिवरात्रि आए, जन्माष्टमी आए या सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण आदि पड़े, तो उस दिन एक माला इस मंत्र का जप कर लिया करिए, तो ये मंत्र आपके लिए सिद्ध बना रहेगा, चैतन्य बना रहेगा और आपको इससे लाभ होगा। तो मंत्र मैं बता दे रहा हूँ, मंत्र है कालिका खड्ग खप्पर लिए ठाढ़ी, ज्योत तेरी है निराली, पीती भर भर रक्त पियाली, कर भक्तों की रखवाली, न कर रक्षा तो महाबली भैरव की दुहाई। ये मंत्र है, बहुत बार इसमें ओम लगता भी है, यानी ओम कालिका खड्ग खप्पर, और बहुत बार ओम नहीं भी लगता है, तो इसमें आपकी सुविधा है, आप चाहें तो ओम लगा के करें, अन्यथा ओम न लगा के करें। इसमें मेरी तरफ से, मैं अपनी तरफ से कोई सलाह नहीं दे रहा, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि बिना ओम के करें वो ज्यादा अच्छा है। तो इस मंत्र का आप जप करें, भगवती कालिका के कृपा प्रसाद के आप पात्र बने। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।